जंघा में ताकत होगी, घसीटते हुए ले जाएंगे और नेट गोल मारेंगे। नाक रगड़ के मर जाएगा, पूछ फटक के मर जाएगी। लड़की सिखावे बुढ़िया के, मायगे दुलकल चल। आनंद मोहन के स्कूल के दर्जनों शिष्य हैं, दर्जनों आज भी 36 MLA मंत्री और सांसद होंगे। 68 साल उम्र है। अब ये राजनीति सिखाएंगे, आप बोलना क्या है, ये लोग सिखाएंगे हमको, नए नए लड़के लोग। अब आनंद मोहन क्या बदलेंगे, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमानों। और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड, हमारे साथ आनंद मोहन जी। एक्चुअली हम चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आज शिवहर पहुंचे हैं, जहां से आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद मैदान में है। कभी इस क्षेत्र से आनंद मोहन खुद सांसद हुआ करते थे और आज उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कमान संभाल रखा है, उनसे बात करते हैं। आनंद मोहन जी, क्या नज़ारा आपको क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? देखिए, शिवहर में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, जीत में कोई डाउट नहीं है, निसंदेह यहाँ NDA जीत रही है। यहाँ सिर्फ फासले की लड़ाई है, अंतर कितने की होगी इस बात की लड़ाई है। लेकिन आपके वोट बैंक में दरार नजर आ रहा है, जो दावा कर रही है रितु जायसवाल आपके खिलाफ खड़ी है कि वैसे वोट आपके साथ नहीं है। वैसे किसको नेता मानेंगे, जहाँ आजादी के बाद भारत का प्रधानमंत्री वैसे हो और गृह मंत्री वैसे हो, वो लालटेन पर क्यों दांव खेलेंगे? वैसे समुदाय के लोग, जिसके राज्य में सबसे ज्यादा अपहरण हुआ वैश्यों का, जिसके राज्य में सबसे ज्यादा वसूली हुई, पलायन हुआ, अपमान हुआ, कत्लेआम हुआ, उस लालटेन के साथ वैसे चले जाएंगे? ये तो सवाल तो कहते हैं कि आप ही कत्लेआम करने वाले लोगों में शामिल हैं। सही है। आप ये जो जितने 12 नरसंहार, कई एक नहीं दर्जनों नरसंहार जो हुए, वो आनंद मोहन ने ही करवाए थे लालू जी के राज में। आनंद मोहन तो वैश्यों के सवाल पर लड़ने वाले हैं। ये लालटेन वाली से पूछिए, जो डॉक्टर अर्जुन शाह का अपहरण हुआ था बख्तियारपुर में, तो आनंद मोहन खड़े हुए थे और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था लालू राज में, और सुबह 12 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर अर्जुन शाह छोड़े गए थे। मुन्ना गुप्ता एक चिमनी मालिक हुआ करते हैं, सौर बाजार में आज भी चिमनी है, सहरसा के रहने वाले, उनके बेटे का अपहरण हुआ तब आनंद मोहन खड़े हुए थे। जब खेमका का अपहरण हुआ सहरसा में, तो विधायक रहते आनंद मोहन खड़े हुए थे और वो चौसा आलमनगर के इलाके से केला के खेत से उपलब्ध कराया था। यहाँ परदेसिया में बुंदीलाल शाह जी के पोते का जब अपहरण हुआ, सामने से उठा के ले जा रहे थे, लोग कलेजा पीट रहे थे, औरतें बूढ़े सभी, तब आनंद मोहन MP नहीं सिपाही बन गया था और दौड़ के मोटरसाइकिल, जहां गोलियां गुंडे दाग रहे थे, ये परदेसिया इसी शिविर में सुनिए, और न सिर्फ अपराधियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया बल्कि बुनीलाल शाह जी के पोते को आजाद भी कराए। ये किसके राज में हो रहा था? कहाँ थी ये लालटेन वाली लोग? चौहद्दी जानती है, जो लोग कहते हैं बाहर शिवहर में रेफरेंडम हो चुका है इस मुद्दे पर, आनंद मोहन को साजिशन इस हत्याकांड में अभियुक्त बनाकर सेल में रखकर, कोई मुख्यमंत्री इसी शिवहर में गली गली हेलीकॉप्टर उतारे थे, चौक चौराहे पर सारी ताकत झोंक दी थी, यहाँ जनता बनाम सत्ता की लड़ाई हुई थी। आनंद मोहन सेल से सीधे संसद पहुंच गए थे, उस रेफरेंडम में जो हार गया, जिनके आका हार गए, वो लालटेन वाली आकर के आनंद मोहन को फिर से रेफरेंडम का चुनौती दे। तो कह रहे दलित बस्तियों में जाके कि आपने दलित DM की हत्या कर, जान रहे हैं यहाँ
दलित यहाँ के जान रहे हैं और दलित 25 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी वाले से कहाँ लड़ाई हो जा रही है आपकी? इसकी लड़ाई कौन सी की लड़ाई, कहाँ से ये उत्पन्न कर रहे हैं आप? बैठक में आप पवन जायसवाल से, बीजेपी के तो लोग यहाँ थे, बैठक में संयोजक थे, प्रभारी थे, आप घुसे तो नाश्ता। नहीं नहीं, बैठक में पवन जायसवाल को आप तुम कह देते हैं, उसे फड़ा जाए। किसी को रोने का मन हो आंख में गड़ा खुट्टी, जो लोग आरजेडी की तरफदारी कर रहे या जाना चाहते हैं वो अलग बात है। ये किसी को आनंद मोहन ने ये सिखाई नहीं, हमारे ये संस्कार में ही नहीं है। हमको तो जगदानंद सिंह तुम कहते हैं, जगता भाई हमको तुम कहते हैं। सुनिए, 36 का आंकड़ा है रहा लालू यादव जी से मेरा, वो हमसे सीनियर है, तुम कहते हैं। शिवानंद तिवारी जी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, राजनीति में नहीं, तुम कहते हैं। प्रभुनाथ सिंह जी हमारी पार्टी में हमारे अंडर काम किया है, लेकिन उम्र में बड़े थे, कहते थे मन से कि उम्र में छोटे हो नेता हो, लेकिन तुम कहते थे। तो हम तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी तुम कहते हैं, वो मेरा भतीजा है, शकुनी भाई हम मित्र हैं, ये तुम क्या नाराजगी की वजह हो सकती है? लोग तो श्री कृष्ण जी को भगवान को भी तुम कहते हैं, ये तो अपनापन है, ये तो प्यार है। तो आपको लगता है कि कुछ लोग हैं बीजेपी में जो कांटेक्ट में, इसके पूर्व के जो मंत्री हैं जय कुमार सिंह जी उसको भी तुम कहते हैं, लेसी सिंह बैठी हुई है आप जाके पूछिए तुम कहते हैं। तो आप अपने ये नीरज है तुम कहते हैं, पंकज पासवान तुम कहते हैं, ऐसे आनंद मोहन के स्कूल के दर्जनों शिष्य हैं, दर्जनों आज भी 36 MLA मंत्री और सांसद होंगे जिसको आनंद मोहन तुम कहते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम आनंद मोहन का स्कूल था, आज आनंद मोहन का स्कूल तो बंद हो चुका है ना। चलिए स्कूल बंद हो गया, गुरुजी तो है ना, गुरुजी तो है। किस चीज के गुरुजी है, राजनीति के या कुछ और विधा के गुरुजी हैं? अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपको जो मर्जी हो वही मान लीजिए। नहीं, आप अपने मत नहीं, हम खुश नहीं हैं, हम बताइए, हम उन सवालों का आनंद मोहन जी रख रहे हैं आपके सामने जो जनता के बीच यहाँ पर बात कही जा रही है। कोई जनता के बीच नहीं है, कही जा रही है। सुनिए, मैंने 1000 बार कहा, आलोचना से कोई शैतान नहीं हो जाता, प्रशंसा से कोई भगवान नहीं बन जाता। मैं इन बातों का फिक्र ही नहीं करता कि YouTube पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। मैं डायरेक्ट का आदमी हूँ, जनता से मेरा कनेक्शन डायरेक्ट है। तो राजपूत, और आप इस बात को समझ रहे? नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, मैंने आपकी किताबें भी पढ़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी आप वैसे लोगों के घर पे जा रहे हैं, कुर्मी कुशवाहा के घर पे जा रहे हैं, राजपूतों के घर पे जा रहे हैं कि नहीं? नहीं जाने के क्या सवाल, जो बुलाएंगे जाएंगे। आपने कहा था जाएंगे नहीं, हम कौन कहा हमने, आप इसको जैसे वोट मांगने नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे वोट मांगने? वैश्य स्वयं कहता है, हमने यही कहा कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने शिवहर से हमको उम्मीदवार बनाया है तो हम क्यों वक्त जाया करें वैश्यों के यहाँ जाके? वो तो स्वयं कहते हैं आप दूसरी जगह जाइए। मैं राजपूत उम्मीदवार हूँ, प्रत्याशी मैं राजपूत से हूँ, क्यों जाऊँ वक्त जाया करने? नेता मानते हैं लव कुश, कोड़ी कुर्मी, पटेल, अगर नीतीश कुमार जी को, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो मैं क्यों जाऊं? अगर वो हमारे साथ हैं, हम उस NDA घटक दल के नेता प्रत्याशी हैं, तो हम क्यों वक्त जाया करें? वो स्वयं कमान संभाले हुए हैं। नाक रगड़ के मर जाएगा, पूछ फटक के मर जाएगी आपको, बस 90+ में लवली आनंद को ही वोट जाएगा, कोई लालटेन को वोट देने नहीं जा रहा है, फटफटा के जाएगा। आपको मैं हकीकत भया कर रहा हूँ कि कुछ भी कर ले, बूथ तक जाते जाते रूह कांप जाएगा कि हम किसको वोट करें, उस लालटेन को
जिसके राज में सबसे ज्यादा अपहरण, वसूली, रंगदारी झेलना पड़ा, कत्ल झेलना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा। इसलिए दिवा स्वप्न लोग देख रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मैं 4 को आपसे मिलूंगा, आप समय मिला लीजिए, डेट मिला लीजिए, मिनट सेकंड मिला लीजिए। 4 तारीख को हम मुलाकात करेंगे हम आपसे, लेकिन लेकिन सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि आनंद मोहन जी वोट मांगने जा रहे हैं, वहाँ जनता को प्रणाम नहीं करते, हाथ हिलाते हैं, ये भी आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं। सुनिए, पूरे आधा बिहार आनंद मोहन चुनाव लड़ा। सुन लीजिए ना, आप नबीनगर, बाढ़, त्रिवेणीगंज, गोपालगंज, खड़गपुर, गायघाट, वैशाली, सहरसा, शिवहर, ये 30 विधानसभा आते हैं जिसमें मैं चुनाव लड़ा और स्कोर किया। शिवहर जीता 6, वैशाली जीता 12 विधानसभा, महेशी जीते 13, नबीनगर जीते 14, बाढ़ जीते 15, 30 में 50% स्कोर किया। पूरे बिहार घूम करके चुनाव लड़ा, 18 साल से राजनीति किया, 68 साल उम्र है। अब ये राजनीति सिखाएंगे आप बोलना क्या है, ये लोग सिखाएंगे हमको, नए नए लड़के लोग, कि हमको बोलना क्या है, करना क्या है, चलना कैसे है। धन्य है, मैथिली में एक कहावत है, लड़की सिखावे बुढ़िया के, माय गे दुलकल चल। वही है, आप हमको सिखाइए, सब आदमी मिलके हमको कैसे बोलना है, कैसे चलना है। हम क्यों सिखाएंगे, हम नहीं, आपकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन आलोचकों की बात मैं कर रहा हूँ। आपके माध्यम से आप सवाल कौन किया? मैंने सवाल आपने किया, जवाब तो आप ही लेंगे ना, ये दूसरा पब्लिक है बीच में। पब्लिक को आपके माध्यम से उन आलोचकों को कहते हैं कि मेरा अपना जो है नेचर और सिग्नेचर घाट पर ही खत्म होता है। अब आनंद मोहन क्या बदलेंगे, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे? तो जो आनंद मोहन है, डबल मीनिंग वाली बात है, डबल मीनिंग वाली बात, डबल आप 13 मीनिंग लगाइए। हमारे जो कहने का मतलब है वो डायरेक्ट जनता कनेक्ट है, वो समझ रहे हम कहना क्या चाहते हैं। लाख यूट्यूबर, लाख आप सब मिलके, आप सब लोग हमारी आलोचना कीजिए, 4 तारीख को हमसे मिल लीजिएगा, रिजल्ट डिक्लेयर है। मैं कच्चा गोली नहीं खेला हूं राजनीति में, 28 वर्षों से सड़क पर हूं, 16 वर्ष हो गए जेल में, कुछ तो बात है कि लोग आज भी राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आनंद मोहन की हिस्सेदारी, आनंद मोहन का दबदबा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुछ तो बात होगी, तब तो कुछ तो बात है, तब तो टिकट मिल गया आपको बैठे बिठाए। देखिए, लेग पुलिंग करने वाले का आनंद मोहन परवाह नहीं करता, जंघा में ताकत होगी, घसीटते हुए ले जाएंगे और नेट गोल मारेंगे, सीधी बात। इस बार लग रहा है 4 तारीख को गोल मार दीजिएगा, एकदम फाइनल गोल है। अंतर कितने का होगा उस पर बात करें, डिफरेंस जो पिछली दफा रमा देवी जीती थी उससे ज्यादा या कम होगा, वो क्या होगा जनता पर निर्भर है, लेकिन जनता मूड बना चुकी है। जो महान जनता सेल से सीधे संसद भेज दिया, वहां आज आनंद मोहन डायरेक्ट है। हम कह रहे हैं कि लाख वहां से आरजेडी पूछ पटपटा ले, लाख कुछ कह दे। अब लोग कहते हैं मैं तो कलम वाली हूं, यूपीएससी बोलती है कि यूपीएससी पास मेरे दामाद हैं, उनके हस्बैंड हैं, सुनिए, मेरे दामाद हैं, आईएएस हैं, जो आईएएस की बात करता है, आप मैं आपको मैं पूछ रहा हूं, आप जाके मेरी इस बात को रखिए, पता कीजिए उसको आईएएस का दर्जा था,
जो आईएस चिल्ला रही है, झूठ बोल रही है, आईएस थे क्या? नहीं थे। ठीक है, कहाँ के डीएम थे? आईएस थे नहीं तो डीएम कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे तो आईएस क्यों चिल्ला रहा है? लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि आईएस? दूसरी बात तरफ यूपीएससी क्लियर करके रेलवे का हाकिम मेरा दामाद है, डॉक्टर मेरी बहू है, वेलहम बॉयज से मेरे तीनों बच्चे पास हैं। किसी को नसीब नहीं होता जो टॉप टेन में दूसरा से कभी तीसरा चौथा नहीं हुआ, वो बिहार के देश के टॉप टेन में सुमार वेलहम से पास आउट हैं सारे बच्चे। कॉलेज कहाँ से हुआ? सिम्बायसिस पुणे, जो टॉप टेन में आता है जिस संस्थान का दर्जा। बहू मेरी डॉक्टर, लवली आनंद झारखंड बिहार की जो प्रतिष्ठित कॉलेज, जो संस्थान, शिक्षण संस्थान थी, वोमेंस कॉलेज जमशेदपुर, वहाँ से पास आउट है। आनंद मोहन कलम उठाते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति पर, दशरथ मांझी पर, सीबीएसई में स्वीकृत होती है मेरी कहानी। बच्चे डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनते हैं, हम हैं बंदूक वाले, आइए लोग हो गए कलम वाले। आनंद मोहन कलम उठाते हैं तो नामवर सिंह जैसे इस देश के हिंदी जगत के जो सबसे बड़े आलोचक हैं, वो स्वीकृत करती है, करते हैं हमारी किताब को, संसद के ग्रंथागार में वो शोभा पाता है। आनंद मोहन कलम उठाते हैं, जो हिंदी का मानक प्रकाशन है राजकमल, वो प्रकाशित करती है, करता है हमारी किताबों को, हम हैं बंदूक वाले, बाहुबली, आप सब हैं कलम वाले। माफ कीजिए, एक आखिरी सवाल, बेटे को, छोटे बेटे को क्यों खड़ा करा दिए? क्यों नहीं खड़ा कराएंगे? मैं स्वयं खड़ा होता रहा, जहाँ जहाँ लवली आनंद खड़ी हुई मेरा भी नॉमिनेशन हुआ। ये प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन है, अगर कोई पेज फंस जाए कि लवली आनंद का वैशाली से निरस्त हो जाता। आनंद मोहन थे कैंडिडेट, आप पता कीजिए। नबी नगर में जब वो नामांकन भरी, मैं था और बाद में एजेंट बना। ये प्रिकॉशन होता है, ये इलेक्शन का स्ट्रेटजी होता है, रणनीति होता है। अब इसका भी आप लोग निकालिए, एक दिन बाजार में चला आनंद मोहन, ये लवली आनंद बनाम, ये सब हमारे हक में होता है, कीजिए सब बात। नहीं नहीं, कर रहे लोगों के जहन में सवाल उठेगा ना कि माँ के खिलाफ बेटा है। और लोग कहाँ, कौन किस परिवार के कहाँ खड़ा होते, कहाँ जहन में सवाल उठाया जाता है, कहाँ भेजा में घुसाया जाता है लोगों के। मैं आप सबकी दुकान हूं, माफ कीजिएगा, इस बात को मानिए कि लालू यादव दुकान है, नहीं तो आनंद मोहन दुकान है, तीसरा कोई नहीं है। चाहे गाली देके आलोचना करके हो कि प्रशंसा करके हो, दुकान चलानी होगी तो आनंद मोहन के घर में ये हो गया, आनंद मोहन की पत्नी के खिलाफ बेटा खड़ा, ये सब चलेगा, ये मान के चले। मैं फिर से कह रहा हूँ, आलोचना से कोई शैतान नहीं होता और प्रशंसा से कोई भगवान नहीं होता, जितना जो करना हो। आनंद मोहन थे हमारे साथ, कह रहे थे दुकान है, हमारी दुकान है, इसलिए इनके पास आए हैं, खरीदार हम हैं। देखेंगे 4 तारीख को क्या होता है, फिलहाल ये चुनाव मैदान में डटे हुए अपने समर्थकों के साथ हैं और चुनाव अभियान में निकलने की तैयारी में है। कैमरामैन रौसी और सहयोगी नेहा के साथ कुमार प्रबोध। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।